नए बिजली बिल के विरोध में हमीरपुर के गांधी चौक पर सीटू कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर सीटू राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सीटू कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से मांग की कि नए बिजली बिल को खारिज किया जाए। साथ ही सीटू कार्यकर्ताओं ने किसानों, मजदूरों, व्यापारियों व अन्य उपभोक्ताओं से अपील की है कि केंद्र सरकार के द्वारा बिजली बोर्डों के निजीकरण के खिलाफ लंबित होकर संघर्ष करें। सीटू राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश भर में बिजली बोर्ड के निजीकरण करने संबंधी बिल संसद में पेश किया गया है और इस बिल के संसद में पास होने पर पूरे देश में बिजली का उत्पादन व वितरण निजी कंपनियों के हाथ में चला जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड के निजीकरण करने से आम जनता, व्यापारियों व उद्योगपतियों पर बुरे प्रभाव पड़ेंगे और बिजली भी महंगी हो जाएगी। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि बिजली बिल को वापस लिया जाए क्योंकि ये फैसला देश हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। असल में भी केंद्र सरकार ने अभी इस बजट में देश का तमाम जो बिजली बोर्ड है उसको निजीकरण करने का फैसला ले लिया है और उस निजीकरण से जो है पूरे देश में बिजली महंगी हो जाएगी। जो हमारे उपभोक्ता है, गांव का किसान है, छोटा कारोबारी है, दुकानदार है, इनको जो है बिजली के बिल भरना मुश्किल हो जाएगा। और सरकार ने भी फैसला कर लिया है कि देश में जितने बिजली बोर्ड है उनकी संपत्तियों को भी बेचा जाए। तो कौड़ियों के भाव, जो जनता के पैसे से बिजली बोर्ड की संपत्तियां बनी हैं, दफ्तर बने हैं, उनके सारे सबस्टेशंस हैं, सारे स्विच यार्ड्स हैं, सारे डैम्स हैं, दूसरी सारी चीज़ें हैं, इसको सरकार बेच रही है। ये उसी तरह से सरकार कर रही है जैसे कोई कंगाली की तरफ को जब बढ़ता है तो अपने रसोई का बर्तन, कुकर, कढ़ाई, जो कुछ भी उसके हाथ में लगता है उसको बेचने की बात करता है ताकि उसका काम चल सके। और हमारे देश का सरकार भी जो है वो अभी खुद ही कह रहे हैं कि हमारे में पैसा नहीं है। पैसा जुटाने के लिए जो है आप बिजली बोर्डों को बेच रहे हैं, रेलवे को बेच रहे हैं, बंदरगाहों को बेच रहे हैं, हवाई अड्डों को बेच रहे हैं, बैंकों को बेच रहे हैं, बीमा कंपनियों को बेच रहे हैं, पूरा देश नीलामी पर है। और इसलिए जो है आज ये खासकर जो धरना है ये बिजली बोर्ड के निजीकरण के खिलाफ है और हम ये मांग करते हैं कि सरकार ने जो संसद में कानून पेश किया है, बिल पेश किया है, उसको वापस लिया जाए। ये देश के हित में नहीं है। अगर देश का बिजली प्राइवेट कंपनियों के हाथ में चलेगा, विदेशी कंपनियों के हाथ में चला जाएगा तो देश का कारखाना, देश का चाबी भी उनके हाथ में चला जाएगा, जो कतई तौर पर देश के हित में नहीं है। इसलिए CITU की तरफ से पूरे देश में आज बिजली बोर्ड के निजीकरण के खिलाफ, बिजली क्षेत्र के निजीकरण के खिलाफ जो है आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार आगे नहीं मानती है। आप पूरे देश में बिजली कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। हम लोग जो है CITU के लोग हड़ताल तो नहीं, धरना प्रदर्शन के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि आप सरकार की इस नीति के खिलाफ एकजुट होकर जो है विरोध करें। नहीं मानती तो आंदोलन तो हो ही रहा है, ये आंदोलन और तेज होंगे और पूरे देश का जो अलग अलग सेक्टर का जो वर्कर है, कर्मचारी है, वो सारा मिलकर जो है सरकार की नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। वो लड़ाई आगे तेज होगी, यही है आज का तो संदेश।